तो मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ। हम लोग जा रहे हैं आज मैंग्रोव बीच और ये है उम्बलकोइन में और आज है 26 दिसंबर। विंडोज बंद कर लेती हूँ, बाहर बारिश का मौसम लग रहा है। लंच के लिए मैंने आलू मटर पुलाव बना लिया है और पैक भी कर दिया है और काफ़ी हद तक हमारा सामान रेडी है। बस हम लोग घर से निकल रहे हैं और हम बारबेक्यू भी करेंगे और चाय का सामान भी ले लिया है, वहीं जाके चाय बनाएंगे। इल्हान और अम्मी के मस्ती मजाक चलते रहते हैं। गो गो। बस हस्बैंड सामान रखने लगे हैं और ये जो है आलू मटर का हमने जो देगचा उठाया है इसको मैंने चादर में अच्छे से टाइट करके बांध दिया है ताकि इसमें गर्माइश रहे। और बाकी जो है बारबेक्यू का सामान भी है वो ले लिया है हमने और स्नैक्स वगैरह भी ले लिए हैं, चाय का भी सामान हमने उठा लिया है और बस चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हालचाल है, कैसे हैं? आई होप आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी खुश हैं, खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो हम लोग जा रहे हैं मैंग्रोव बीच और यहाँ पे हम लोग पहली दफ़ा जा रहे हैं और आज है 26 दिसंबर और हल्की हल्की जो है बूंदाबांदी भी हो रही है। हम लोग जा रहे हैं उम्बलकोइन और जो है चल के देखते हैं कि कैसा है मौसम। बहुत ज़बरदस्त हो रहा था, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी थी और विंटर वेकेशन तो बच्चों की चल ही रही थी और हस्बैंड ने भी लीव ली हुई थी। ए, मैंग्रोव बीच का रास्ता किस तरह से है? मैप ने हमें धोखा दे दिया था तो हम रास्ता पूछ पूछ के हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। बीच और बारबेक्यू कर सकते हैं कहीं पे? हाँ, बारबेक्यू लगा लेकिन अभी बारिश आई हुई है तो वो तो हम पे है ना। हाँ, वो कहीं भी कर सकते हैं ना बीच के पास। तो काफ़ी दिन तो हम लोग घर में ही रहे और घर के कुछ काम वगैरह थे वो करने थे तो वो निपटाने में लगे हुए थे तो बस आज निकले हैं घूमने के लिए। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मैंग्रोव्स बीच पर और ज़बरदस्त किस्म के बादल भी छाए हुए हैं। तो हम सब जो है घर की चप्पलों में आ गए हैं क्योंकि हमें पता था कि मिट्टी है वहाँ पर तो इस वजह से, और बच्चों ने जो है स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी पहन लिया था क्योंकि वो चाह रहे थे पानी में जाने के लिए, बोल रहे थे कि हम लोग जाएंगे। तो ये है जी मैंग्रोव्स बीच और इन लोगों ने एक तरफ जो है बारबेक्यू का सेटअप बनाया हुआ है जहाँ पे आपको शेड्स वगैरह मिलेंगे और एक तरफ जो है बीच है। तो हमने सोचा पहले आके यहाँ पर लंच कर लेते हैं। हम लोग आ चुके हैं जी बारबेक्यू वाली तरफ तो यहाँ पर पहले लंच करेंगे, साथ ही साथ बारबेक्यू भी बनाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे बीच वाली तरफ। तो बीच वाली तरफ भी आप देख सकते हैं वहाँ पे भी इन्होंने शेड्स दिए हैं बट वहाँ पे खाना बनाना या बारबेक्यू वगैरह बनाना अलाउड नहीं है। तो अभी हमने यही फ़िलहाल सोचा है कि पहले हम लोग आलू मटर पुलाव खा लेते हैं फिर हम लोग जो है बनाएंगे बारबेक्यू, तो वो शाम में हम लोग इंजॉय करेंगे। तो बस पहले खाते हैं खाना। आंटी के लिए चम्मच नहीं, चम्मच नहीं सर, नहीं सुनमा। हाँ, घर से जब निकले थे तो हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी और यहाँ पर जैसे ही पहुँचे हैं तो बारिश शुरू हो चुकी है। पीछे पता नहीं चल रहा बट बारिश हो रही है और हवाएं भी बहुत तेज़ हो गई थी तो सर्दी फील हो रही थी ज़्यादा। खान शुरू कर।
पुलाव के साथ रायता या दही हमें बहुत पसंद है। रायता बनाने का टाइम नहीं मिला घर पे, तो बस मैंने दही उठा ली साथ में। तू खा बस बस बस, मुझे चम्मच दे सर। तू नहीं खाया ना? मेरा सा वह मैं भी हूँ। तो बस खाना खाने के बाद मिलते हैं। तो सीन कुछ ये हो गया है कि यहाँ पे तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है और तेज़ ठंडी हवाएं शुरू हो चुकी हैं, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी बच्चों को भी और हमें भी, और कहीं पे भी बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। जो शेड था वो भी टपक रहा है। तो बस हमने जो बारबेक्यू का प्लान था हमारा वो कैंसिल हो चुका है। तो बस हम जो है घर के लिए निकलने लगे हैं। तो आप देख सकते होंगे हमारी हालत, और सब जो है सर्दी से कांप रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब वापस जा रहे हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी, कोई भी बैठ नहीं पा रहा था यहाँ पर। ना ना पापा जी पे, पापा जी पे, ही इज कमिंग एलन, वेट। तो बस हमारा बारबेक्यू का प्लान तो फ्लॉप हो चुका है, और पुलाव हमने खा लिया। तो बस अब हम घर जाके बनाएंगे बारबेक्यू। घर जाने की तैयारी, सभी घर जा रहे हैं। सर्दी के मारे हम सब कांप रहे थे, तो हस्बैंड ने हीटर ऑन कर दिया गाड़ी में, तब जाके जान में जाना। ये कैसा रहा आज का बारबेक्यू? बारबेक्यू तो नहीं बन सकता ना। तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी, अच्छा हुआ हम लोग घर के लिए निकल गए, नहीं तो फंस जाते। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, चाय पीने का दिल कर रहा है। चाय भी नहीं बना सके हम लोग, तो अभी हम लोग पियेंगे चाय बाहर से। ठंडा गोलगप्पे क्या बन गए लान? ठंडा गोलगप्पे, ठंडा गोलगप्पे। Yes, she told you. I told everyone it's gonna rain. Yes, I believed her. Bas, I believed her. Yes, see, he believed me. Me too. Last time I didn't see anything. Why did you say that? Richard, Richard. Yeah, no, did you? Because he didn't make it. Because he didn't see me. Because my one friend was gone. Yeah, mangroves. इतनी सी देर में भी यहाँ पे बारिश का पानी भी काफ़ी जमा हो गया है। ओहो, इतने काले काले बादल दिखाई दे रहे हैं, लगता है कुछ तेज़ बारिश होने वाली है। अच्छा हुआ हम लोग निकल आए घर के लिए। यहाँ पे पानी कितना ज़्यादा जमा हो गया है। कराची कराची याद आ गया। पाकिस्तान जैसे लग रहा है, पाकिस्तान जैसा लग रहा है। उर्दू में इलहान मुझे अम्मी बोलते हैं। उर्दू में पूरा कर करे दो ना, सही है ना? नो बट उर्दू इज अम्मी सो इट ट्रांसलेटिंग एग्जैक्टली द वे नो वाइस और डी डॉट आऊं कह रहा इलहान अब्बू। उर्दू में इलहान पापा को अब्बू बोलते हैं। हां अब्बू Chamo chalo, wa bina chamo chalo, chalo.
चाय पीने के लिए हम लोग रुके हैं। बारिश का मौसम हो, उसमें चाय और कॉफी ना हो और साथ में गर्मा गर्म समोसे हो तो ओए होए 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 क्या बात है। ये जो वेजिटेबल समोसा है ये मेरा सबसे फेवरेट समोसा है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ की चाय तो बहुत ही बेकार थी, किसी काम की नहीं थी, तो मैं कॉफी पीने लगी हूँ और सफाना की थी ये कॉफी, तो सफाना ने नहीं पी तो मैंने पी ली। तो चाय समोसा सब कुछ हमने खा पी लिया है, तो बस अब हम चलते हैं घर की तरफ। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।